नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। टिमानी में प्रशासन की लापरवाही के चलते गेहूं फसल कटने के शुरुआत में ही फसल आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई हैं। शासन के कड़े प्रतिबंध आदेश के बावजूद भी बगैर अनुमति रजिस्ट्रेशन के खेतों में भूसा मशीन हार्वेस्टर चल रहे हैं, जिनके कारण पूर्व में भी आगजनी की घटनाएं होती रही हैं और हजारों एकड़ खड़ी फसलें जलकर खाक हो गई। वर्तमान में भी क्षेत्र के कुछ ग्रामों में गेहूं की नरवाई में भूसा मशीन चल रही है, जिनके पास अग्निरोधक यंत्र भी पर्याप्त नहीं है। शुक्रवार को ग्राम गाडरापुर में भी समाधान ग्रुप की भूसा मशीन की आग से नरवाई में लगी आग ने दो किसानों के खेत में लगी गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया। आग के चलते 6 हेक्टेयर की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ी घटना होने का अंदेशा था। बगैर अनुमति के चल रही उक्त भूसा मशीन का ड्राइवर हेल्पर आग लगते ही वहां से फरार हो गए। प्रशासन ने मौका पंचनामा बनाकर संबंधित भूसा मशीन चालक के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।